दिस न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय प्रिंट मोगो, जहां आपको मिलता है ऑल टाइप कॉर्पोरेट प्रिंटिंग सॉल्यूशन लाइक टी शर्ट प्रिंटिंग, मग प्रिंटिंग, स्टिकर प्रिंटिंग इत्यादि। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को क्लिक करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं रूबी नेगी और वक्त हो चुका है मिड डे न्यूज का। और मिड डे की सबसे ताजा खबर किसान कर्ज माफी को लेकर आ रही है, जहां 2019 लोकसभा चुनाव से पहले किसानों को बड़ी राहत देने के कदमों के तहत भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह के साथ बैठक की। इस मामले में सूत्रों की माने तो नए साल पर सरकार किसानों के लिए बड़ा ऐलान कर सकती है। और मिड डे की अगली ताजा खबर राफेल डील मामले को लेकर आ रही है, जहां राफेल डील पर विपक्ष के आरोपों के बीच मोदी सरकार इस डील पर एक कदम आगे बढ़ाते हुए 36 लड़ाकू विमानों के एवज में 25% रकम फ्रांस को चुका दिया है। आपको बता दें कि यह डील कुल 59,000 करोड़ रुपए की है। और मिड डे की अगली ताजा खबर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को लेकर आ रही है, जहां केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने क्लीन गंगा मिशन को लेकर बड़ा बयान देते हुए दावा किया है कि अगले 3 महीनों में गंगा 80% तक साफ हो जाएगी और 2020 के मार्च महीने तक गंगा पूरी तरह से साफ कर दी जाएगी। और मिड डे की अगली ताजा खबर कर्नाटक से आ रही है, जहां आगामी लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर जेडीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एचडी देवेगौड़ा अगले 1-2 दिनों में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे और माना जा रहा है कि इस दौरान जेडीएस भी सम्मानजनक सीटों का मुद्दा उठा सकती है। और मिड डे की अगली ताजा खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है, जहां छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन होते ही प्रदेश के नए सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश के 36,000 करोड़ के नान घोटाले की फाइल फिर से खोलने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि इस मामले में अभी तक 27 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था और 17 की गिरफ्तारी भी हुई थी। मिड डे की अगली ताजा खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां उत्तर प्रदेश के धोसी से भाजपा सांसद हरि नारायण राजभर ने रामलाल के लिए आवास की मांग करने के बाद अयोध्या के डीएम को पत्र लिखकर भगवान राम के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर की मांग की है। और मिड डे की अगली ताजा खबर तृणमूल कांग्रेस से आ रही है, जहां किसी भी नागरिक के कंप्यूटर डेटा की जांच के मामले में आज राज्यसभा में चर्चा होने जा रही है, जिसको लेकर तृणमूल कांग्रेस ने रूल नंबर 267 के तहत राज्यसभा से नोटिस दिया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों गृह मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी कर बताया था कि सुरक्षा एजेंसियों को किसी भी कंप्यूटर डेटा जांचने का अधिकार दिया गया था। और मिड डे की अगली ताजा खबर आरएसएस से आ रही है, जहां आरएसएस ने अपने मुखपुत्र तरुण भारत के जरिए एनसीपी प्रमुख शरद पवार को आड़े हाथों लेते हुए उन्हें महाराष्ट्र का चतुर अवसरवादी और पारखी नेता करार दिया है। और मिड डे की अगली ताजा खबर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लेकर आ रही है, जहां पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उनके जीवन पर आधारित फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के रिलीज ट्रेलर को लेकर नो कमेंट्स कहा है। आपको बता दें कि माना जा रहा है कि ये फिल्म कांग्रेस के कई राज उजागर करने वाली होगी। और मिड डे की अगली ताजा खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज बदनावर सीट से कांग्रेस विधायक राजवर्धन सिंह दंतीगांव ने कांग्रेस पर वंशवाद और वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि मेरे साथ अन्याय हुआ है और मैं इसका जवाब इस्तीफा देकर दूंगा। और मिड डे की अगली ताजा खबर साउथ के स्टार महेश बाबू को लेकर आ रही है, जहां 18.5 लाख सर्विस टैक्स नहीं चुकाने के चलते माल एवं सेवा कर विभाग ने तेलुगु फिल्म स्टार महेश बाबू के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उनके बैंक खाते को फ्रीज कर दिया है। और मिड डे की अगली ताजा खबर 3 तलाक बिल को लेकर आ रही है, जहां मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक देने पर रोक लगाने वाले बिल मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण बिल सरकार ने लोकसभा से पारित करवा लिया है, लेकिन अब सरकार के सामने राज्यसभा में इसे पास करवाना बड़ी चुनौती बना हुआ है। और मिड डे की अगली ताजा खबर कांग्रेस से आ रही है, जहां कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व को अपनाने के पीछे बड़ी रणनीति का खुलासा हुआ है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस को चुनावों में जीत हासिल करने के लिए कांग्रेस नेता एके एंटनी एक रिपोर्ट के जरिए सलाह दिया है कि अगर दोबारा से सत्ता में वापसी करनी है तो सॉफ्ट हिंदुत्व को अपनाना होगा। और मिड डे की अगली ताजा खबर एचडीएफसी बैंक को लेकर आ रही है, जहां एचडीएफसी ग्रुप देश का सबसे बड़ा कारोबारी समूह बन गया है। वहीं इसको लेकर जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक समूह की 5 सूचीबद्ध कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण 10.40 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया है और इसने इस मामले में टाटा समूह को पीछे छोड़ दिया है। और मिड डे की अगली ताजा खबर गुजरात से आ रही है, जहां गुजरात पुलिस ने नए साल पर महिलाओं को लेकर एक विवादित दिशा निर्देश जारी किया है कि नए साल के जश्न के दौरान महिलाएं छोटे कपड़े नहीं पहने ताकि संस्कृति और संस्कारों को चोट नहीं पहुंचे। और मिड डे की अगली ताजा खबर केंद्र सरकार से आ रही है, जहां नए साल से पहले मोदी सरकार अपने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने जा रही है, जिसके तहत अब महिलाओं की ही तरह पुरुषों को भी चाइल्ड केयर लीव मिलेगी और इसके मुताबिक पुरुष कर्मचारी को 730 दिन की छुट्टी बच्चों की देखभाल के लिए मिलेगी।
मिड्डे की अगली ताजा खबर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को लेकर आ रही है, जहां मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की एक अदालत ने सड़क पर पत्रकार वार्ता आयोजित कर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है। और मिड्डे की अगली ताजा खबर रूस से आ रही है, जहां रूस ने आवाज की गति से 27 गुना तेज हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण करने का दावा किया है, जिसे दुनिया का कोई रडार इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा और यह किसी भी डिफेंस सिस्टम को भेदने में सक्षम है। और मिड्डे की अगली ताजा खबर कांग्रेस से आ रही है, जहां देश की सबसे पुरानी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आज 134वां स्थापना दिवस है। और आपको बता दें कि आज ही के दिन 1885 में 72 प्रतिनिधियों के साथ एओ ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। और मिड्डे की अगली ताजा खबर दिल्ली में बढ़ती ठंड को लेकर आ रही है, जहां राजधानी दिल्ली में सर्दी का सितम लगातार जारी है। आपको बता दें कि बीती रात ठंड से पूरी दिल्ली कांप उठी और यह सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। इस दौरान न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री कम, सिर्फ 3.4 डिग्री दर्ज किया गया है। तो ये थी मिड्डे न्यूज की कुछ ताजा खबरें, और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही दिए गए नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, ताकि आप भी रह सके ऐसे ही खबरों से अपडेट।